असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड विल बी सेफ इन योर होम्स टूडे वी आर गोइंग टू डू द यूनिट नंबर टेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री जीमेट्री जो है वो बेसिकली है क्या जीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स एंड द सर्फेसिज ऑफ सॉलिड्स वन कम्स अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ यानी ज्योमेट्री में हम डिफरेंट शेप्स जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं हमारे पास जिसमें जि जिनके लिए शेप्स को ड्रा करने के लिए हम पॉइंट्स स्ट्रेट कर्व लाइंस का यूज़ करते हैं इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सर्फिस होती हैं जिनको हम ज्वाइन करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं पॉइंट पॉइंट क्या है अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ और हाइट अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इंडिकेट्स ओनली अ पोजिशन इट हैज़ नो डायमेंशनस जिस तरह ये हमने पॉइंट्स शो किए हुए हैं यहाँ पर ये आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इनकी ना कोई लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है ये जस्ट हमें पोजीशन शो कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या है अ लाइन सेगमेंट इज़ अ सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स दैट इज़ बाउंड एट बोथ एंड्स जिस तरह ये पॉइंट्स लगे हुए हैं इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं मिला लेते हैं तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाता है जैसे ये टू डॉट्स लगे हैं टू पॉइंट्स लगे हुए हैं इनको हमने एक लाइन के साथ ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है A line is a series of points that extends infinitely in both directions. जिसको हम दोनों sides पर दोनों direction में जो है वो बढ़ा सकते हैं A surface is flat and goes on to infinity in all directions. जिसको हम जिसके लिए कोई भी limit नहीं है आप जितनी length चाहे अपनी right side पर इस point से और इस point से left side पर आप इसको लेंथ को बढ़ा सकते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लेरीफाई दैट अ लाइन हैज़ इन्फिनिट लेंथ लाइन हैज़ इन्फिनिट लेंथ यानी इसकी कोई भी लेंथ लेंथ जो है वो महदूद नहीं है अनलिमिटेड है द लाइन्स दैट आर ड्रॉन इन द बुक आर ओनली सेगमेंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट यहाँ पर जो हमारे पास ये पॉइंट्स लगे हुए हैं जिनको हमने ज्वाइन करके एक लाइन लगाई है ये क्या है ये लाइन सेगमेंट है हमारी अ लाइन सेगमेंट इज स्पेसिफाइड विथ टू एंड पॉइंट्स कोई भी टू पॉइंट लेकर उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं यानी जो हमारी लाइन सेगमेंट है उसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं नेक्स्ट हमारे है पास रे रे क्या है अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स एंड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड जैसे यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है इसको हमने राइट right साइड पर बढ़ा दिया एक्सटेंड कर दिया आगे हमने एरो लगाया है जो ये शो कर रहा है कि यहाँ इसमें ये आप इस लाइन को आगे तक बढ़ा सकते हैं तो ये जो है रे हमारे पास बन जाएगी अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट विद द अदर पॉइंट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली ये लाइन जो है ये इनफिनिट इन्फिनिट है यानी इसको हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं इसकी लेंथ को ये पॉइंट जो है हमारे पास एंड पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी कोई भी लिमिट नहीं है तो ये हमारे पास ड्रे है नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन क्या है अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड्स इनफिनिटली ऑन बोथ साइड्स अ लाइन इज ड्रॉन विद हेड्स ऑन बोथ साइड्स जैसे ये हमारे पास अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ डॉट्स लगा दें पॉइंट्स लगा दें तो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाता है अगर हम एक साइड पे पॉइंट लगाएं और दूसरी साइड पर एरो शो करें तो वो हमारे पास रे होती है अगर हम दोनों साइड्स पर जो है वो एरो हेड्स शो करते हैं तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है दिस इंडिकेट्स दैट अ लाइन इज कम्पोज ऑफ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें सिर्फ वन डायमेंशन यानी एक लेंथ उसमें हम शो करते हैं और जिसको हम किस कैसे ड्रॉ करते, है, करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं जिससे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है नेक्स्ट है क्लीयियर पॉइंट्स क्लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं अभी हमने जो है वो भी अभी हमने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो क्लीनियर पॉइंट्स क्या हैं थ्री और मोर पॉइंट्स लेंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नॉन एज क्लीनियर पॉइंट्स जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं पॉइंट ए बी सी डी ई e. इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन पर तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्लीनियर पॉइंट्स कहते हैं नॉन क्लीनियर पॉइंट्स द पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नॉन एज नॉन क्लीनियर पॉइंट जिससे कि उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है यानी वो पॉइंट्स जो एक दूसरे से हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अलग अलग लगे हुए हैं पॉइंट्स सारे तो इनको हम नॉन क्लीनियर पॉइंट्स कहते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है इंटरसेक्ट का मतलब क्या है जो एक दूसरे को काट रही हैं लाइंस ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं टू लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट के ऊपर काटती हैं वो इंटरसेकट इंटर इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती हैं दूसरी ये कौन सी बनी हुई है कॉन्क्रट लाइन्स वो कौन सी है टू और मोर लाइन्स पासिस थ्रूआ पॉइंट दो या दो से ज़्यादा ऐसी लाइन्स जो किसी एक पॉइंट से गुजर रही हों उनको हम कॉन्क्रट लाइन्स कहते हैं नॉन कॉन्ग्रेंट लाइन्स कौन सी हैं जो कि किसी एक पॉइंट से ना गुजर रही हों तो वो नॉन कॉन्ग्रेंट लाइन्स के लगते हैं इफ़ टू और मोर लाइन्स पास थ्रो अ पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट लाइन्स द लाइन्स विच डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कॉन्ग्रेंट लाइन्स नेक्स्ट हमारे पास अ प्लेन प्लेन क्या है प्लेन जो हमारे पास टू डायमेंशनल सरफेस होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है अ प्लेन इज अ टू डायमेंशनल सरफेस दैट हैज लेंथ एंड ब्रेथ यानी कोई भी ऐसी हमारे पास शेप जिसमें जिसकी लेंथ हो और ब्रेथ हो वो प्लेन कहलाती है जिस तरह ये एक रेक्टेंगल शेप बनी हुई है जिसमें ये लेंथ और ब्रेथ शो की गई है टिल्टेड प्लेन्स कोई भी हम बोर्ड ले लें जिसको हम थोड़ा तिरछा करके रखेंगे तो जो हमें साइड शो हो रही होती है वो उसकी उसको हम प्लेन्स प्लेन्स में ये शामिल होती है द सर्फेस ऑफ अ बोर्ड टिल्टिंग स्लाइटली ऑन साइड्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टिल्टिंग प्लेन्स जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ब्लैक बोर्ड इज ओफन प्लेन टिल टॉप ऑफ डेस्क वेन इट इज़ ओपन इज आ टेड प्लेन द डिस्प्ले पैनल ऑफ आ लैपटॉप हैज टेड प्लान जिसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हो प्लेन्स होरिजोटल प्लेन्स में प्लेस ऑन अ फ्लोर अ ग्लास अ बॉटल इन इनवर्टेड ग्लास कौन जैसे यहाँ पर उन्होंने ये शेप्स हमारे पास शो की हुई है ग्लास है जिसके अंदर जिसको हमने हाफ फिल किया हुआ है वाटर के साथ किसी भी लिक्विड से आप उसको फिल कर सकते हैं द सर्फेस ऑफ वाटर इन ईच केस इज अ सर्कुलर होरिजोटल प्लेन ग्लास के अंदर जो हमने कोई भी लिक्विड जब हाफ फिल करते हैं तो जो हमें शेप शो होती है वो उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है नेक्स्ट हमारे पास है पैरल प्लेन्स द सर्फेस ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग और टू अपोजिट वॉल्स आर पैरल प्लेन्स जिस टाइम आप अपने रूम में ही देख लें जो उसका नीचे का फ्लोर है और जो साइड पे वॉल्स आती हैं उनको हम कंबाइन कर लें तो लेंथ और ब्रेथ जो रूम की शो हो रही होती है हमें तो वो हमारे पास प्लेन्स ही आती हैं तो ये पैरल प्लेन्स हैं इन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज टेन है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये ब्लैंक्स फिल करनी है और सेकेंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हैं अब आपने इन दोनों क्वेश्चन को अपनी अपनी बुक्स के ऊपर ख़ुद कम्प्लीट करना है